बच्चे बच्चियों, नौजवानों, आप सबको आपके धर्मेंद्र का जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। आप फले फूले, खूब तरक्की करें। धर्मेंद्र नाम का एक एक्टर जो पिछले करीब 60 साल से अपनी चाल चलता आ रहा है इंडस्ट्री में, उस धर्मेंद्र के पीछे धर्मेंद्र सिंह देओल एक किसान का हाथ है, उसका योगदान है। धरती पुत्र धर्मेंद्र सिंह का योगदान है, उसे जो कुछ बनाया मैं धर्मेंद्र सिंह ने मुझे बनाया है, वरना शहर में खो जाता मैं। धर्मेंद्र सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा, धर्मेंद्र सिंह ने मुझे ही मैन बनाया, धर्मेंद्र सिंह ने मुझे गरम धर्म बनाया, धर्मेंद्र सिंह ने मुझे धर्मवीर बनाया, शोले का वीरो बनाया। मैं किसान घर का, एक मध्य वर्ग किसान का बेटा हूं। मैंने आपकी ही तरह, मेरे ख्याल से आपसे भी ज्यादा मेहनत मशक्कत की है खेतों में, अपने हाथों से चारा काटा है, बैल जोते हैं, खाना लेकर खेतों में जाता था ताऊ चाचा का, वहां जाकर फिर भूख लग जाती थी, फिर खा लेता था। ऐसा ही होता ना, जब हम खाना लेके जाते हैं खेतों में तो वहां पहुंचकर यार भूख लगी जाती है, वो घर वाले कहते हैं 2000 उसको फिर भूख लगती है। तो मैं अपनी कौम का की नस नस से वाकफ हूं, इस बहादुर जांबाज कौम की नस नस से वाकफ हूं। हम धरती पुत्र अपनी भारत मां को अनाज के भंडार तो देते ही हैं, और जब मां कुर्बानी मांगती है हम मां से भी कफन भी स्वीकार लेते हैं। भारत मां की सरहदों की हिफाजत के लिए हम कुर्बानियां भी देते हैं। मैंने सुना है इस इलाके के बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनके मां बाप को धन्य कहता हूं, वो मां जिसने ऐसे पेट जन्मे। मैं यहां भाषण करने नहीं आया दोस्तों, मैं आपसे बातें करने आया, कुछ बातें अपने बारे बताऊंगा, कुछ आपकी आपसे कहूंगा। जो मैंने बातें की है ये आपकी कह रहा हूं, खेतों की बातें कर रहा हूं, ये आप ही की बातें हैं साहब। मैं जब चौथी क्लास में था, सुन रहे हो तो मैं सुनाऊं आपको, फिर मौका नहीं मिलता, आज मौका मिला आपसे बात करने का। मैं आप में से एक हूं, मैं अक्सर बाद में हूं, एक इंसान पहले हूं, एक इंसानियत के नाते यहां आया। मैं चौथी क्लास में था, तब ब्रिटिश का रूल था, अंग्रेजों का राज था, और मेरे वालिद मेरे पिताजी किसान भी थे और स्कूल टीचर भी थे, नौकरी करते थे अंग्रेजों के, और मेरी मां चौथी क्लास के बच्चे के हाथ में तिरंगा देके कहती थी, जा बेटे आजादी की जंग में तू जा, छोटी उम्र का, मैं भी इनकलाब जिंदाबाद कहता था। और शाम को मेरे बाबूजी घर आके मेरी मां से लड़ते थे, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी। तो मेरी मां का कहना था, आपकी नौकरी जाती है जाए, मैं अपने बेटे को देशभक्त बनाऊंगा। ये देशभक्ति की नींव वहां से चौथी क्लास से शुरू हुई है साहब। और जब मैं जब पार्टीशन हुआ, जब हमें आजादी मिली, तब मैं 12 साल का था, और तब से मेरी आत्मा ने मुझे एक प्रार्थना सिखा दी थी, अपने वतन के लिए, अपने भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए। वो प्रार्थना आज भी मैं वो प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना बड़ी अच्छी है, लेकिन उस प्रार्थना का वो हिस्सा मैं आपको सुना देना चाहता हूँ जो शायद आपको अच्छा लगेगा। मेरी प्रार्थना थी देश के लिए कि हे परवरदिगार, हे भगवान, हमारे देश की डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी हो, हर मजहब हर कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहे हैं, मजहब को घर की चार दीवारी तक रखें और घर से बाहर आए इंसानियत की बात करें, देश की बात करें, आपस की बात करें, भाईचारे की बात करें।
मेरी दुआ थी कि पंजाब से आसाम तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत देश को अपनी माँ समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करे। हमारी सरकार, हमारे सरकारी कर्मचारी भारत देश को अपनी माँ समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करें। हम भारत को माँ कहते हैं, माँ समझना भी शुरू कर दो दोस्तों। जिस दिन माँ की तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा उसकी आंख फोड़ देंगे आप। और मैं अपने लिए नहीं, मैं दुनिया भर के इंसानियत के लिए भी कहता था कि हमारे देश से, दुनिया से ड्रग्स, माफिया, क्राइम, टेररिज्म, कट्टरपंथी, करप्शन, अनपढ़ता, गुर्बत जड़ों से खत्म हो जाए। और ये सारा ग्लोब, ये पूरा जमीन एक जन्नत बन के रह जाए। हम बना सकते हैं दोस्तों, अब भी बना सकते हैं। वो प्रार्थना जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ वो रंग ला रही है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही है। अब देखते जाइए क्या होने वाला है। मेरी प्रार्थना उसने सुनी है और अच्छा ही होगा। आप समझते हैं क्या अच्छा होगा। और मैं जाने कितने सालों से अपनी फिल्मों के माध्यम से जी भर के प्यार बांटता है और उससे कहीं ज्यादा प्यार आप सबने मुझे दिया है, जो अपने दिलों से मुझे निकाला नहीं बल्कि आदर सम्मान देकर मेरे हौसले को बुलंद रखा है। आज आज उसी प्यार के हक से पूछना चाहूंगा, मुझे मेरा हक देंगे? मुझे मेरा हक देंगे? हेमा को उसका हक देंगे? तो उस हक से मैं मांग रहा हूं, हेमा की जीत, बहुत बड़ी जीत मांगता हूं। हिंदुस्तान में नकारा बच जाए कि ऐसी जीत पहले नहीं हुई। वो जीत हम आपके सहयोग के बगैर नहीं जीत सकते बच्चों। आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। मैं इसी भरोसे पे आया हूं कि हमारे कदम के साथ कदम मिलाएंगे आप, और मैं वादा करता हूं एक बहुत अच्छे भविष्य का आपके लिए। एक मसीहा मिल गया है आपको, आप समझते हैं कौन मसीहा है। जिस नगरी के फकीर बादशाह होते हैं, उस नगरी के फकीर बादशाह होते हैं। और मैं इस उम्र में आपके सामने आपके रूबरू हूं। एक किसान की क्या हिम्मत होती है, किसान क्या कर सकता है। हमें गुस्सा भी आता है, हम जज्बाती भी हैं। माँ कुदरत की गोद में पले हैं, हमें मालूम है, फिर भी हम देशभक्ति नहीं भूल सकते। हजार गुस्सा हो, हजार आपको फुसलाएं, बहकाएं, इधर जाओ उधर जाओ, दोस्तों इस वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। इस वक्त को हाथ से मत को देना, ये धर्मेंद्र की बात याद रखना। जहां आत्मा कहती है उसकी तरफ जाओ। मैं जानता हूं आपकी आत्मा क्या कह रही है। और उस बूढ़े किसान की एक नजम जो मैंने लिखी, आपने भी लिखी है, वो हर किसी पे लगती है, आप सब से उम्र वाले ने, कि मट्टी का बेटा हूं मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुराकर चंद सांसे में चीर के सीना धरती का फसल नई एक बोलूंगा। और खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसे भी आ जाएंगी। और फिर होके लतपत मट्टी में मैं खेतों खेतों भागूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। ये उत्साह चाहिए आप में, ये मौका मत खोना मेरे दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आ जाना। मैं दिल की बात करता हूँ, मैंने अपनी बातें की, चौथी जमात से मैं क्यों ऐसे हुआ, आज मैं वैसे हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार करते हैं। मुझे मालूम है दुनिया मुझे प्यार जी भर के प्यार करते हैं। इस प्यार को पाना बहुत मुश्किल है, ये मेरे किरदार ने, धर्मेंद्र सिंह ने ये प्यार मुझे दिलवाया है, उस जाट ने ये सम्मान मुझे, उस किसान ने ये सम्मान दिलवाया है। और मैं उसका हमेशा आभारी हूँ, हमेशा उससे पूछता हूँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। धर्मेंद्र सिंह जब कहते हैं कि हाँ धर्म, ये सच्चाई का रास्ता चल तो चल पा, और मैं चल पड़ता हूँ। आज भी मैं एक ऐसे रास्ते पे आया हूँ, आप लोगों से एक विनती कर लें, आपका सहयोग मांग लें।
मुझे यकीन है मुझे सहयोग देंगे। एक दफा मैं चाहता हूँ जो हमारे हक में हाथ उठा सकते हैं हाथ उठाओ। आप हक देंगे? आप हमें हमारा हक देंगे? हमारा हक देंगे? जीते रहिए, आपको जी जान से प्यार। मैं फिर कभी आके किसी सर्दियों की शाम किसी घर के किसी चौके में रोटी खाने जरूर आऊंगा। ये डायलॉग बाजी नहीं कर रहा मैं, दिल की बातें कर रहा हूँ। वो बातें फिल्मी बातें मैं नहीं करता। मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ, पहले एक इंसान हूँ फिर एक एक्टर हूँ। हर काम बनने के लिए आदमी को अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। आप कितने बड़े एक्टर बन जाइए, आप किंग बन रही है क्या बन रही है, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान नहीं आप कुछ नहीं है।